मसला एक आया कि फोत शुदा किसी की माँ फोत हो गई है, किसी का बाप, किसी का भरा फोत शुदा जेडे दुनिया तो चले गए हैं, क्या उन्होंने नाँ की कुरबानी हो सकती है? ये मसला ज सवाल है कि जेडे बंदे फोत हो गए ने किसी के वालदैन, कोई बंदा अपने वालद के नाँ की करता, कोई अपनी वालदा के नाँ की करता, क्या वो कुरबानी वो नाँ की हो जाएगी? इस मसले को संजीदगी समझिया जाए। फुकहा फरमाते ने हाँ फोत शुदा के नाँ की कुरबानी हो सकती है, लेकिन मसला ये कि जिदे ते कुरबानी वाजब है पहला वो अपने नाँ की करे। अगले दिन मैं बंदा पूछन दिया कि मैं अपनी अम्मा के नाँ की कर दिया, अपने नाँ की ना करा। मैं क्या माँ तेरी तो फोत हो गई, वो तो वाजब नहीं। जेड़ा बंदा बाबा जी दुनिया तो टुर गया है, वो तो वाजब नहीं कुरबानी। तू तो जिंदा है, तेरे ते वाजब है। पहला तू अपना हक अदा कर, पहला तू अपने नाँ की कुरबानी कर। अगर एक बंदे ने वड्डा जानवर लिया, वो घर दो ही बंदे ने जिन्हें कुरबानी वाजब है। मसले को समझियो जी, बड़ी मेहरबानी। दो हिस्से ने एक बीवी का हो गया, पांच हिस्से अजाफी ने। वड्डी कुरबानी विच किन्ने हिस्से होंदे ने जी? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह तुहाडे इलम विच मजीद इजाफा फरमाए। सात हिस्से होंदे ने, दो हिस्से उन्हें अपने नाँ दे रख ले, एक बीवी दा एक अपना, पांच हिस्से अजाफी ने। उन्हें सोचा कि यार एक मैं अपनी वालदा दे नाँ दी कर दवां, एक अपने वालद दे नाँ दी कर दिया, मेरा भरा फोत होया उहदे नाँ दी कर दिया। इस तरह वह कुरबानी जायज़ है, वह कुरबानी फोतशुदा दे नाँ दी कर सकदा है जिहड़ा अजाफी हिस्सा होवे। अगर वो को अजाफी हिस्से है ने, मौजूद ने वड्डी कुरबानी विच, तो फिर वह कर सकता है। या एक बकरा अपने नाँ का ले ले, एक अपनी बीवी के नाँ का ले ले, एक बकरा अपनी माँ के नाँ का ले ले, एक अपने वालद के नाँ का ले ले, वह फिर भी कुरबानी हो सकती है। फोत शुदा के नाँ की कुरबानी, बोलो बोलो, फोत शुदा के नाँ की कुरबानी हो सकती है। अगला मसला सुनो जी।